बजाज आरी इलेक्ट्रिक ऑटो पर इस तरह का एरर शो हो जाने से गाड़ी अचानक से न्यूट्रल हो जाता है। तो देख सकता है दोस्तों, मैं भी रोड साइड खड़ा हुआ हूँ और मेरा गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन में है और मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो आज का इस वीडियो पर आप लोगों को पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ इस एरर के बारे में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। देख सकता है ये अचानक से ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है एरर्स। और यहाँ पर देखिए गाड़ी का हालत, ये न्यूट्रल हो चुका है और अभी ये न्यूट्रल पर ही चल रहा है क्योंकि मैं चला रहा था। ये अचानक से थोड़ा थोड़ा सिग्नल भी आ रहा है डी मोड का, ये देखिए ड्राइव मोड का सिग्नल आ रहा है, अभी नहीं आएगा। ये देखिए गाड़ी रुक गया। अभी इसे सॉल्व करने के लिए पहले चाबी को ऑफ करना पड़ेगा, फिर हैंड ब्रेक लगाना पड़ेगा, थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। तो ऐसा करते करते थोड़ा बहुत चल जाता है, बट इसके लिए सर्विस सेंटर जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों को दिखाया और बाकी का वीडियो मैं सर्विस सेंटर जाने के बाद फिर से आप लोगों को दिखा दूंगा। ये देखिए अभी भी एरर सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब ये ठीक नहीं हुआ। ये देखिए मैंने हैंड ब्रेक भी निकाल दिया, ये देखिए फिर से हैंड ब्रेक लगा दिया, फिर से चाबी को ऑफ किया। तो ऐसा करते करते अचानक से ठीक हो जाता है। फिर से चाबी को ऑन किया, ये देखिए इस बार ठीक हो गया, अभी थोड़ा बहुत चल जाएगा। हैंड ब्रेक भी निकाल दिया, अभी इसे ड्राइव मोड में लगा दिया, ये देखिए चल रहा है। तो दोस्तों, सर्विस सेंटर जाने के बाद उन लोगों ने मेरा गाड़ी को एक डिवाइस के साथ कनेक्ट किया है और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा था शफ्टर मोटर ट्रैक। और शफ्टर मोटर ट्रैक यानी कि ये जो मोटर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मोटर ख़राब बोल रहा था। फिर बाद में मैंने सोचा ये मोटर इतना आसानी से कैसे ख़राब हो सकता है, तो मैंने खुद से ही गाड़ी का पीछे वाला डोर ओपन किया और यहाँ पर मैंने देखा जो प्लग है इसमें बहुत सारा धूल मिट्टी लगा हुआ है। और फिर मैंने इस प्लग को पूरा क्लीन किया है और क्लीन करने के बाद फिर से लगाया। लगाने के बाद मेरा गाड़ी नॉर्मल पहले की तरह चल रहा था, तो फिर मैं घर चला आया। तो आप लोग भी इस तरह से एक बार चेक कर लेना, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है तो सर्विस सेंटर पर दिखा देना, उन लोग जो भी चेंज करना पड़ता है चेंज करके दे देगा। ये जो मैं प्लग आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अच्छा से देखिए, ये प्लग में धूल मिट्टी बहुत सारा लगा हुआ है। और फिर इस प्लग को मैंने बहुत ही अच्छा से क्लीन किया, पेट्रोल से क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद मैंने दोबारा इसको अच्छा से लगाया और फिर ये जो ब्लैक कलर का कैप है इसके अंदर ही रखना चाहिए इस प्लग को। तो इन प्लग को अच्छा से रखोगे तो कार्बन नहीं आएगा, जंग नहीं पड़ेगा, तो पावर सप्लाई भी अच्छा से हो जाएगा और आप लोगों को ऐसा वाला प्रॉब्लम कभी नहीं दिखाएगा। और अगर फिर से नहीं होता है, ये सब करने से भी नहीं होता है, तो आप लोग जाके सर्विस सेंटर अच्छा से विज़िट कर लेना, उन लोगों से सर्विस मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।